हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू के एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे रेंतारो अपनी पांचवी सोलमेट कुसुरु से मिलता है, जिसे मेडिसिन बनाना बहुत पसंद है। कुसुरु रेंतारो से बड़ी है। वो एक फेल इमोर्टैलिटी मेडिसिन के चलते अपने छोटे रूप में ही फंस गई है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन ड्रग पीकर वो 10 से 20 मिनट के लिए अपने पुराने रूप में वापस आ सकती है। कुसुरु रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है और रेंतारो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बाद वो उसे अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। लेकिन कुसुरु द्वारा बनाए गए एक मेडिसिन को पीने के बाद रेंतारो की गर्लफ्रेंड्स किसिंग ज़ॉम्बीज बन जाती हैं और रेंतारो को किस करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम कुसुरु और रेंतारो को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बचते हुए छत से बाहर की ओर भागते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड्स उसका पीछा करती हैं। कुसुरु बताती है कि हमें जल्द से जल्द केमिस्ट्री लैब तक पहुंचना होगा और न्यूट्रलाइजेशन ड्रग बनाना होगा, वरना हम कभी भी इन्हें पहले की तरह नहीं कर पाएंगे। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रेंतारो सोचता है कि क्या इन चारों को स्लो करने का कोई तरीका है। तभी कुसुरु एक मेडिसिन निकालती है और उसे इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। वो बताती है कि ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसे अगर किसी पर भी छिड़का जाता है तो उसकी स्किन बहुत ही भयानक रूप से जलने लगेगी। ये सुनते ही रेंतारो चिल्लाते हुए मना कर देता है। वो कहता है कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही वह कॉरिडोर में एंटर करते हैं तो वाइस प्रिंसिपल उनका पीछा करना शुरू कर देती है। कुसुरु उन्हें देख डर जाती है और अपने हाथों में पकड़े मेडिसिन को वाइस प्रिंसिपल के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो दर्द से लगती है। लेकिन वाइस प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं होता। वो अपने मेकअप के चलते बच जाती हैं और उनका मेकअप पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे वो रेंतारो का पीछे करना छोड़ देती है और अपने मेकअप को ठीक करने के लिए चली जाती हैं। वही नैनो, जो अभी भी किसिंग ज़ॉम्बी के फॉर्म में होती है, वो गर्लफ्रेंड्स को अलग होने का ऑर्डर देती है ताकि वे रेंतारो को आगे जाकर घेर सके। रेंतारो और कुसुरु भी यही चाल चलते हैं और अलग हो जाते हैं और वे दोनों केमिस्ट्री लैब की ओर आगे बढ़ते हैं। कुसुरु से अलग होने के बाद रेंतारो देखते हैं कि अब सिर्फ सुजुका ही है जो उसका पीछा कर रही है। रेंतारो सोचता है कि सुजुका बाकियों की तुलना में बहुत ही स्लो है, इसलिए वो आसानी से सुजुका से बच जाएगा। वो फैसला करता है कि वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी योजना पर काम कर पाता, सुजुका अपने मुंह के बल गिर जाती है, जिसे देख वो घबरा जाता है और उसे उठाकर नर्सेस ऑफिस ले जाता है। पर वहाँ के नर्स किसी काम के चलते छुट्टी पर गई होती है। रेंतारो खुद ही सुजुका का इलाज करता है। इसी बीच वो ये पूरी तरह से भूल जाता है कि सुजुका अभी भी एक किसिंग ज़ॉम्बी है, और जैसे ही वो इसका इलाज पूरा करता है तो वो एक बार फिर घबरा जाता है और तभी उसे सुजुका पकड़ लेती है। सुजुका इस अवसर का उपयोग उसके ऊपर के लिए करती है और उसे नीचे गिरा देती है। वो रेंतारो को किस करना शुरू कर देती है, जिससे रेंतारो का हालत खराब होने लगता है। लेकिन तभी वो ओरिजिनल सुजुका को याद करता है और उसका दिमाग फिर से चलने लगता है। वो सुजुका के खिलाफ उसकी शारीरिक क्षमताओं की कमी का इस्तेमाल करता है और उसे उठाकर बेड की रेलिंग से जुड़े एक कोट हैंगर पर लटका देता है। अस्पताल से निकलने के बाद रेंतारो का सामना इंदा और हकारी से होता है, जिससे उसे यूटर्न लेना पड़ता है। वहीं इंदा और हकारी मिलकर रेंतारो को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है। इंदा हकारी को पकड़कर चारों ओर घुमाती है और उसे एक स्लाइंग शॉट की तरह लॉन्च करती है, जिससे हकारी सीधा जाकर रेंतारो से टकरा जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इंदा और हकारी रेंतारो को पकड़ लेती हैं और बारी बारी से किस करने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे दोनों बहस करने लगती हैं। ये देखकर रेंतारो सोचने लगता है कि ये दोनों ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी झगड़ रहे हैं, इसका मतलब ये अभी भी पूरी तरह से किसिंग ज़ॉम्बीज नहीं बनी है। रेंतारो इस अवसर का लाभ उठाता है और जब वे दोनों बहस कर रही होती है तो वो उन दोनों को ही एक दूसरे से किस करवा देता है। फिर क्या, दोनों रेंतारो को भूलकर एक दूसरे को ही किस करने लगते हैं, क्योंकि वे फेलो लवर्स हैं जो एक दूसरे से इतने करीब हैं कि वे हर दिन लड़ते रहते हैं। रेंतारो कुछ देर तक उन्हें देखते रहता है, लेकिन जल्द ही वो वहाँ से भाग जाता है और आखिरकार वो केमिस्ट्री लैब पहुँचने में सफल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो नैनो को देखता है, जो उसका अंदर इंतजार कर रही होती है। नैनो को देखते ही रेंतारो तुरंत ही डोर क्लोज कर देता है और पासी के क्लीनिंग कैबिनेट के अंदर जाकर छिप जाता है। वो उम्मीद करता है कि कुसुरु केमिस्ट्री लैब तक पहुंच जाएगी, लेकिन जल्दी उसे ये एहसास होता है कि कुसुरु भी उसके साथ कैबिनेट के अंदर है। रेंतारो कुसुरु से पूछता है कि वो यहाँ क्यों छुपी है। कुसुरु बताती है कि नैनो ने उसे केमिस्ट्री लैब में जाते हुए देख लिया था और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, ये महसूस करते हुए कि वो रेंतारो के साथी है। कुसुरु एक योजना का सुझाव देती है, जिसमें रेंतारो नैनो का ध्यान भटकाकर उसे केमिस्ट्री लैब से दूर ले जाएगा। रेंतारो कहता है कि यह प्लान काम नहीं करेगा। नैनो बहुत ही होशियार है, उसे पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ उसका ध्यान भटका रहा हूँ और कुसुरु कैबिनेट के अंदर छुपी हुई है। रेंतारो को परेशान देखकर कुसुरु रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो हमेशा से दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ मेडिसिन के बारे में ही सोचती रहती है। वो कहती है कि कोई और उसे नफरत करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रेंतारो उसे नफरत करता है तो वो इसके लिए खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो वो
हमेशा के लिए मेडिसिन बनाना छोड़ देगी। ये सुनने के बाद रेंतारो चुप हो जाता है। अचानक कुसुरी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वो हर समय न्यूट्रलाइजेशन का एक इमरजेंसी डोज अपने साथ रखती है। रेंतारो को ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। वो सोचता है कि इसे हम नैनो को पिला देंगे, लेकिन जल्द रेंतारो की राहत की सांसें घबराहट में बदल जाती है। वो देखता है कि कुसुरी खुद ही उस न्यूट्रलाइजेशन ड्रग को पी रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो ड्रग कुसुरी के हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। कुसुरी रेंतारो से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। रेंतारो कहता है, मुझे लगा ये मेडिसिन हम नैनो को देने वाले थे। कुसुरी कहती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी कुसुरी अपने पुराने रूप में बदल जाती है और रेंतारो को अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि नैनो को उसके पुराने रूप के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो न्यूट्रलाइजेशन ड्रग पीकर वो अपने पुराने रूप में बदल गई। अब वो बाहर जाकर नैनो को रस्सी से बांध देगी। कुसुरी अपने प्लान पर काम करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है क्योंकि नैनो के पास जाते ही वो खुद गलती से अपना नाम नहीं लेती है, जिससे नैनो उसे पहचान लेती है और उसे बांध देती है। वहीं रेंतारो फिर से घबराने लगता है, लेकिन फर्श पर गिरे एंटीडोट को देखने के बाद उसके मन में एक विचार आता है और वो तेजी से कैबिनेट से बाहर निकलता है और केमिस्ट्री लैब से दूर कॉरिडोर में चला जाता है। नैनो उसे नोटिस करती है और वो उसका पीछा करती है। रेंतारो एक स्टोरेज रूम में एंटर करता है और डोर लॉक कर देता है। नैनो भी वहां पहुंच जाती है और डोर को खोलने की कोशिश करती है, पर डोर लॉक होने की वजह से वो उसे तोड़ देती है। रेंतारो यह देखकर डर जाता है, साथ ही वो बहुत ही थक गया था, इसलिए वो फर्श पर गिर जाता है। नैनो उसके पास आती है और उसे किस करने लगती है। कुछ समय बाद कुसुरी नैनो का नाम पुकारती है, जिससे नैनो मुड़ती है और कुसुरी न्यूट्रलाइजेशन ड्रग का एक डोज उसके मुंह में डाल देती है, जिसे पीकर नैनो बेहोश हो जाती है। वहीं कुसुरी रेंतारो से पूछती है कि क्या ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। रेंतारो ये कहते हुए मना कर देता है कि ये एक प्लान से ज्यादा एक गैम्बल था। वो नैनो को केमिस्ट्री लैब से दूर ले जाता है ताकि कुसुरी वापस से अपने छोटे रूप में आ सके, जिससे वो रस्सी से खुद को छुड़ा सके और एंटीडोट बना सके। दोनों नैनो को हाथों में लेकर स्टोरेज रूम से निकलते हैं और दूसरे गर्लफ्रेंड्स को एंटीडोट देते हैं। चारों लड़कियों को होश आ जाता है और धीरे धीरे उन्हें वो सब याद आने लगता है जो उन्होंने ज़ॉम्बी बनकर किया था। हकारी रेंतारो से माफी मांगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे वो और इंदा ज़ॉम्बी फॉर्म में किस कर रहे थे। वो इसे याद ना करने का नाटक करती है और इंदा पर जोर देकर कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वहीं इंदा हकारी को यह बताने की कोशिश करती है कि उसे सब याद है, लेकिन तभी उसे भी सब कुछ याद आ जाता है और वो भी कहने लगती है कि उसे भी कुछ याद नहीं है। इतने में कुसुरी रोते हुए सभी लड़कियों से माफी मांगने लगती है। रेंतारो कुसुरी से कहता है कि वो मानता है कि यह सब उसके मेडिसिन्स की वजह से हुआ था, लेकिन सच ये भी है कि उसकी मेडिसिन्स की वजह से ही वो सभी को वापस पहले जैसा कर पाया। कुसुरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेंतारो उसे ये कहकर बीच में रोकता है कि चाहे उसके मेडिसिन्स के कारण कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो हमेशा उसके साथ रहेगा और हर मुसीबत में उसका साथ देगा। आगे वो कुसुरी से कहता है कि उसे मेडिसिन्स बनाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि उसे मेडिसिन्स बनाना बहुत पसंद है और यही वो वजह है जिससे वो उससे प्यार करता है। कुसुरी यह सुनकर खुश हो जाती है और रेंतारो को गले लगा लेती है और उसे किस करती है। वो कहती है कि वो रेंतारो से उतना ही प्यार करती है जितना वो अपनी मेडिसिन से करती है। और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।